दिख रहा है सर? हाँ फुल दिख रहा है स्क्रीन दिख सर, रहा है और आप लोगों आपको नेक्स्ट को? ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए तो तो समझ फ्लिप में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड दिखता है तो फुल स्क्रीन में शायद दिखेगा। हो रही है ना, फ्लाइट आगे पीछे हो रही नेक्स्ट, है। नहीं 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 हो रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ पैलेट्स दिख रहा है। ये फ्लिप नहीं हो रही है। नहीं, फुल स्क्रीन में नहीं होगा शायद। हाँ अभी दिख रहा है, अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अभी हो रहा है ना, अभी दिख रहा है। हाँ आपका जो मेन पेज है वो दिख रहा है, दिख कवर रहा है ना? पेज। इसका मतलब फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा। नहीं ठीक आएगा है, सर। हाँ यस सर, हाँ चलिए, इतना भी दिखता रहे काफी है। यस सर, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और जितने भी अधिकारी और उम्मीद करते हैं कुछ किसान बंधु जुड़े होंगे उनका हमारी तरफ से स्वागत है। और मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। तो सर समय कितने बजे तक है, कितने बजे मुझे खत्म करना है? 11:30 जैसे इस बार शेड्यूल है उतने खत्म करना है ना, 11:30 पे? हाँ सर, थोड़ा सा बढ़ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे हाँ तो कंटिन्यू कर लेंगे, कोई आपको जब प्रॉब्लम लगेगा नहीं। तो आप रोक दीजिएगा, आपका क्योंकि जी नहीं, आप अपना जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो हमारा टॉपिक है वैल्यू एडिशन टू कॉटन क्रॉप। किस तरीके से कॉटन क्रॉप का वैल्यू को बढ़ाया जाए, मूल संवर्धन किया जाए, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे सर ने बताया, मैं डॉक्टर एस के शुक्ला, मैं प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी जीनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, उसमें कार्यरत हैं। और जैसे हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से कॉटन प्रोडक्शन सिस्टम होता है, ये हम सारे लोग इसके बारे में अवेयर हैं कि जैसे कॉटन का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉटन का जो एक बार जब फील्ड में आ जाता है तो सबसे पहले हमको रॉ कॉटन या सीड कॉटन मिलता है। उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद में हमको कॉटन लिंट मिलती है और कॉटन सीड मिलती है। कॉटन लिंट को जिनिंग फैक्ट्री में बेल बना बिना करके जो है बेलिंग प्रेस करते हैं, उसको स्पिनिंग मिल में ले जाते हैं। और कॉटन सीड का भी उपयोग मुख्य रूप से केक और आयल निकालने के पर्पज में किया जाता है। और इसके अलावा जो चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं वो कॉटन बायोमास होता है, जो कपास की पराठी, उसका भी आजकल काफी उपयोग आया हुआ है। अभी जैसे हम लोग आते हैं कि किस तरीके से टोटल वैल्यू चेन होती है, वर्क करती है कॉटन में। कॉटन में देखा जाए तो सबसे पहले जो किसान कपास को ले आएगा तो जिनिंग फैक्ट्री वाले कपास को प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो रहता है उनका प्रोसेसिंग का। उसमें जैसे हमने डिस्कस किया, मोबाइल का वो ऑन कर दो, वॉइस उसमें सबसे पहले कॉटन का जो लिंट आएगा, लिंट का बेल बनेगा, बेल बनने के बाद में वो जाएगा स्पिनिंग मिल में। स्पिनिंग मिल में उससे धागे बनते हैं, और धागे बनने के बाद में फिर उससे जो है कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनने के बाद में फिर जो अंग वस्त्र रहता है, जिसको हम लोग पहनते हैं गारमेंट, वो काम में आता है। टोटल ये आपका रुई का वैल्यू चेन हो गया। अगर इस तरह से हम लोग सरकी का देखें तो सरकी के दो तरीके हैं। एक तो एक तरीका ऐसा है कि पूरी तरीके से उसका मूल संवर्धन किया जाए, साइंटिफिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। साइंटिफिक प्रोसेसिंग करता है तो उसमें कॉटन के ऊपर जो छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं उनको लिंटर्स बोला जाता है। लिंटर्स का बहुत सारा उपयोग होता है। इसका जो है इसमें जो सेलुलोज कंटेंट रहता है, लगभग 99% प्योर सेलुलोज मिलता है, जो कि हाईएस्ट इन द एनी एनी टाइप कमोडिटी होता है। और फिर लिंटर का उपयोग बहुत सारे जगह हो रहा है। एक तो मेन रूप से जैसे ऑर्डनेंस फैक्ट्री में मिसाइल फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद इससे रीजनरेटेड फाइबर, जापान वगैरह में बेम्बर फाइबर काफी फेमस है। मुझे लगता है बेम्बर फाइबर वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलियस्ट फाइबर है, 2,000 रुपए किलो बिकता है। वो लिंटर से ही बनता है, और लिंटर सारा इंडिया से ही उसको जाता है। इसके बाद लिंटर निकालने के बाद में जो कॉटन सरकी के ऊपर एक कोट होता है उसको हल बोलते हैं, हल निकाला जाता है। तो हल से भी कुछ प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इसको मुख्य रूप से केक, एनिमल फीड बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और
फल से निकलने के बाद में जो आपका कर्नल बनता है, अंदर वाला जो पार्ट बच जाता है जिसमें ऑयल कंटेंट रहता है, उसको जब हम लोग एक्सपेलिंग करते हैं तो उसके सर उससे हमको कॉटन सीड का केक मिलता है और यहाँ पे ऑयल तेल निकलता है जिसका उपयोग हम लोग डेली डेली डे टू डे लाइफ में खाने में प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बायोमास के देख लिया जाए तो बायोमास में आज की डेट में 4 कमर्शियल प्रोडक्ट इसके काम में आ रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रिकेट बनाने काम में आता है, पेलेट बनाने काम में आता है, पार्टिकल बोर्ड बनाने काम में आता है, कंपोस्ट का भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा आगे करेंगे तो इसलिए विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये समझा जाए कि वैल्यू एडिशन करने की जरूरत क्या है, उसको समझने के लिए एक ये देखा जाए कि अगर हम एक कुंटल रुई लें, जैसे अपने यहाँ कॉटन की मार्केटिंग कुंटल में होती है, किसान बंधु कुंटल में ज्यादा समझते हैं, एक कुंटल रुई में कपास में मैक्सिमम 35 किलो रुई बनती है। उस 35 किलो रुई को अगर हम मार्केट वैल्यू आज की डेट में देखें तो इसकी कीमत 4,700 रुपए। अगर इसका हम लोग धागे में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 30 किलो धागा, अगर मैं उसको 30 काउंट का भी पकड़ लूं, जो कि जो है एक बेयर मिनिमम काउंट हो गया, वैसे तो अपने कपास का 40 काउंट भी बनता है, 60 काउंट तक बहुत आराम से बन जाता है, 40 काफी फेमस है महाराष्ट्र का जो कपास है, 40 काउंट में ज्यादा बनता है। अगर 30 काउंट में भी पकड़ूं तो उसकी कीमत 7,500 रुपए हो जाता है आज की डेट में। आज की डेट में 30 काउंट का एक किलो धागा 250 रुपए का बिक रहा है, और इसको अगर फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा तो 220 मीटर फैब्रिक इसमें बनाया जा सकता है 30 काउंट का। उसका जो मार्केट वैल्यू लगभग 22,200 रुपए आज की डेट में है। अगर इसको शर्ट में देखा जाए तो 100 शर्ट बन सकते हैं, और 100 शर्ट का आज की मार्केट कीमत जो कॉटन के शर्ट है उसमें 1,00,000 रुपए हो सकता है। तो अगर देखा जाए कि हम लोग 4,700 से शुरुआत किए और 1,00,000 तक पहुंच गए, इसका मतलब लगभग 20-22 गुना जो है वैल्यू एडिशन हो गया। अगर यही वैल्यू एडिशन जो है हम लोग ज्यादा इस मास स्केल में करेंगे तो इतना जितना इनकम है, मतलब एक कुंटल में 95,000 जो रुपीज जनरेट हुआ, इसके साथ साथ में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये जो है लगभग सेकेंड मोस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। और इसलिए अपने को वैल्यू एडिशन ज्यादा जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर हम लोग दूसरे एक तरीके से समझना चाहें कि हमारे यहाँ कपास का उत्पादन एक साल में लगभग 350,000 गठान का होता है, उसमें 50,00,000 गठान हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, लगभग 50,00,000 गठान हम लोग कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यूज नहीं होता। तो हर साल लगभग 250 गठान जो लाख गठान अपने यहाँ हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। वहीं अगर चाइना को हम लोग देखें तो चाइना में लगभग इतना ही कपास होता है 350,00,000 बेल के आसपास, और इतना ही कपास वो इम्पोर्ट भी करता है। तो लगभग जो है 200,00,000 बेल वो इम्पोर्ट कर लेगा, तो उस लगभग 550,00,000 बेल और हर साल प्रोसेस करता है। और प्रोसेसिंग करने से उसका फायदा क्या है, आप देखेंगे चाइना का बिजनेस हर जगह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अगर उसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखें तो 2008 और 5 के आसपास इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज 2020 में वो हमसे कई गुना आगे है। हम अभी 3 ट्रिलियन पहुंचे हुए हैं, उनकी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच चुकी है, मतलब 3 टाइम्स अपने से बड़ी इकोनॉमी उनकी है। इसलिए हम लोग अगर वैल्यू एडिशन बढ़ाएंगे तो हमारी भी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे जो किसान बंधु है उनको भी फायदा होगा, और सारे स्टेक होल्डर्स का जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस जो है उनकी इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम लोग इसको और देखा जाए कि इंटरनेशनल जो पेपर्स हैं उसमें बताया गया है कि जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें अगर हम लोग जीन्स बनाते हैं तो जीन्स में ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता, 12 गुना होता है, क्योंकि जीन्स जो बनाया जाता है उसका काउंट मतलब कि धागे की मोटाई पतलाई होता है, जितना ज्यादा ज्यादा काउंट है उतना धागा पतला बनता है, जितना काउंट कम है उतना धागा मोटा रहता है। तो जीन्स हम लोग सभी पहनते हैं, जानते हैं जीन्स काफी मोटा होता है, इसका मतलब वो शॉर्ट फाइबर से बनाया जाता है, उसमें उसका वैल्यू एडिशन कम होता है।
लेकिन अगर उसी को हम लोग शर्ट वगैरह देखेंगे तो इंटरनेशनली रिपोर्टेड है 27 गुना लगभग उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो फॉरेन में शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स महंगे मिलते हैं, अपनी इंडियन कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो 20 गुना वैल्यू एडिशन आराम से संभव है। अब हम लोग समझेंगे कि कॉटन का वैल्यू एडिशन अपने यहाँ दिक्कत क्या है और अपने कपास का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव अच्छे से जो नहीं मिलता है, कम रहता है, उसका कारण क्या है। तो अगर देखिए कि हम लोग कपास का भाव किस पे निर्भर करता है, कपास का अगर प्राइस देखेंगे तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसपे कपास का जो प्राइस रहता है वो निर्भर करता है। उसमें सबसे ज्यादा देखेंगे 30% जो वेटेज दिया जाता है कपास के कलर का। अगर कपास का कलर अच्छा है तभी कोई आदमी उसका बायर आएगा, और कपास का कलर अगर अच्छा नहीं है तब उसका बायर नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है सारे लोग कलर को बहुत पसंद करते हैं। बाल जरा सफेद हुआ तो डाई करने लग जाते हैं, कपड़ा गंदा हुआ तो उसको साफ करने लगेंगे। हर आदमी अलग अलग का कलर पसंद रहता है, इसलिए जब कपास भी खरीदते हैं हम लोग तो उसमें यही देखते हैं कि उसका कलर एकदम अच्छा हो, चांगला कलर होना चाहिए। अगर चांगला कलर नहीं है तो फिर कपास का दाम घट जाता है। दूसरा चीज है कपास की साफ सफाई जो 23% रहती है। अगर कपास में कचरे की मात्रा आ जाती है तब क्या होता है, कपास का भाव गिर जाता है। कचरा जो है 2 टाइप का है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कचरा ऐसा होता है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है, एक कचरा ऐसा होता है जिसको निकाला नहीं जा सकता है। वो मात्रा कम रहती है लेकिन वो नुकसान बहुत ज्यादा करता है। तो उसका भी जो है वेटेज 23% रहता है। तो अल्टीमेटली अगर कचरे रहते हैं तो हमारे कलर को ही खराब करते हैं, तो कलर खराब हो गया तो फिर कपास नहीं लेगा। तो ये जो है दोनों यूनाइटेड है एक तरीके समझ लीजिए। और जो 3 और पैरामीटर दिखाए गए हैं ये शायद किसानों के टेक्निकल है, किसानों के उतने काम के नहीं है, किसानों के जो हाथ में है ये 2 चीजें मेन है। अगर इन 2 चीजों पे किसान जो है फोकस करेगा तब क्या होगा, हमारे यहाँ कपास का वैल्यू एडिशन और माल उसका जो करंट प्राइस है वो अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस लिए जो है ये दोनों चीजें खराब होती हैं। उसमें किसानों को एक चीज ध्यान देना है कि जो कपास ओला कपास को स्टोर करके नहीं रखना है, ओला को पहले पिकिंग नहीं करना है। अगर खेत से निकाल भी लिया तो उसको सुखा के रखना चाहिए, दबा के रखेंगे तब कपास का क्या होगा, कलर निश्चित रूप से खराब होगा, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा चीज है जीनिंग परसेंटेज, वो भी थोड़ा टेक्निकल है, उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है किसान लेवल पे। तीसरी चीजें है कि जो ट्रैश और कंटामिनेंट, जो हम लोग कचरे की बात कर रहे हैं, कचरे में जो पॉलीप्रोपिलीन है, आदमी के बाल है, प्लास्टिक है, ये सब चीजें काफी खतरनाक है। इसको मैं पिक्चर से माध्यम से प्रेजेंट करना चाहेंगे। एक और चीज है कि मिक्सिंग ऑफ कॉटन जो किसानों के यहाँ प्रिवेलेंट रहता है उसमें होता क्या है कि किसान जैसे पिकिंग स्टार्ट कर देते हैं अक्टूबर नवंबर से और मार्च तक चलता रहता है, तो फर्स्ट पिकिंग, सेकंड पिकिंग, थर्ड पिकिंग, फोर्थ पिकिंग आता रहता है। और कुछ किसान ऐसे रहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, सारा कपास मिक्स करते रहते हैं। तो मिक्स करने से क्या होता है कि एक तो उसका जो आपको प्राइस मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, दूसरा उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आपका पहला दूसरा पिकिंग का कपास जो रहता है काफी अच्छी क्वालिटी का रहता है, उसका जो दाम मिलेगा आपका सुपर दाम मिलेगा, लेकिन वहीं आप तीसरी चौथी क्वालिटी का पिकिंग का कपास उसमें आप मिक्स कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि आपको जो एक तरीके मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि घोड़े और गधे सब दोनों को मिक्स करके बेच दिया तो ना घोड़े का दाम आएगा ना गधे का आएगा, फिर खच्चर का दाम मिल जाएगा आपको। इसलिए क्या होता है कि अपने कपास का एवरेज भाव मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि संभव नहीं है किसान के लेवल पे क्योंकि उनके पास रखने की जगह नहीं है। कभी कभी जो है उनको ये रहता है कि हमको भाव सेम ही मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट जिस तरह से महंगा होता जा रहा है, कपास में क्वालिटी खराब हो रही है, तो क्वालिटी कंसर्न पूरे स्टेक होल्डर्स को है। अगर हम लोग वास्तव में क्वालिटी मेंटेन करें और क्वालिटी के हिसाब से मार्केटिंग करें तो अपने को इस अच्छे कपास का अच्छा भाव मिल सकता है।
अभी जैसे हम इतने सारी चर्चा कर लिए, उसमें एक चीज आपको स्ट्रेस करना चाहेंगे कि जो अपने इंडिया का कपास है आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में 15 से 20% कम भाव में मिलता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट जो है आपका 100 रुपये है तो अपने कपास की कीमत जो है 85 रुपये मिलती है। तो उसका जो दो ही मुख्य कारण है, एक मुख्य कारण है आपका हाई मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है, कपास का कलर खराब हो जाता है, कपास पीला हो जाता है। और दूसरा कंटामिनेशन, कंटामिनेशन जैसी चीज होता है जो कपास की खेती के अब से बाहर जो मटेरियल आ गया। जैसे किसानों से हमेशा पूछिए कि कपास में कौन सा ऐसा कचरा रहता है जिसको निकाला नहीं जा सकता, तो किसान हमेशा ये बोलेंगे कि इसमें से पत्रियां नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं, जो भी खेत में चीज होता है, पत्ती हो जाए या कौड़ी हो जाए, वो सब चीजें उससे निकल जाती हैं। जो चीजें नहीं निकलती हैं वो चीज है, उससे प्लास्टिक के पीस नहीं निकलते हैं, उससे बाल नहीं निकलते हैं, ये सारी चीजें जो है कपास से नहीं निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि कपास का भाव खराब हो जाता है। उसकी उसको हम फोटो भी दिखाएंगे कौन कौन चीजें मिलती हैं। इसे मॉइस्चर का हम लोग देख लेते हैं कि मॉइस्चर जो रहता है दो टाइप का है। एक तो मॉइस्चर ऐसा रहता है कि आपका जैसे अक्टूबर वगैरह में बरसात जस्ट खत्म हुई रहती है तो गीला रहता है, उस समय एयर में मॉइस्चर भी जाता रहता है। उस समय कपास में आपका 12 से 15% 20% मॉइस्चर रहना वाजिब है। और अगर वही वही जो है आप कपास को देखेंगे फरवरी मार्च में लाएंगे तो आपका मॉइस्चर 5% 6% 7% से ज्यादा नहीं रहता। तो किसान ये सोचते हैं कि हम कपास को क्या करें, खूब दबा के रख दें जिससे पानी उड़ने नहीं पाए और हमारा जो है वजन बना रहे। ऐसा होता नहीं, कि जो है किसानों को बताना चाहिए कि आप कितना भी दबा के रखोगे पानी तो जाना ही जाना है। पानी एक बार जाए उड़ जाएगा फिर आपका, लेकिन उड़ने के साथ में आपका कलर खराब करके जाएगा। तो कलर खराब करके जाएगा तो आपका भाव कम हो गया। अगर मान लीजिए आपका वजन बढ़ भी रहा है तब भी खराब हो गया। दूसरा चीज क्या रहता है कि कपास जैसे आपका किसान क्या करते हैं कि जैसे एक बार कपास को भरने लग गए गाड़ी में तो उसमें पहले कपास डालेंगे फिर पानी मारेंगे, फिर से जो है कपास डालेंगे पानी मारेंगे, इस तरह से पूरा रात भर उसको भिगा के रखते हैं। तो वो कपास क्या होता है कि उसमें सरकी में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, रुई में मॉइस्चर कम होता है। तो उस कंडीशन में भी कपास खराब हो जाता है, वो गर्म हो जाएगा, बाद में फैक्ट्री में आएगा तो उससे नुकसान होता है। तो ये प्रैक्टिस को अपने को नहीं खत्म करना है। ये प्रैक्टिस पहले चलती थी मैं मान सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि कपास में अगर मॉइस्चर, ये चीज किसानों को हमेशा बताना चाहिए, कपास में अगर मॉइस्चर कम है तो आपको प्रीमियम मिलेगा, मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। ऐसे होता है, वो हम ये थोड़ा इससे समझ लेते हैं कि अगर आपका जो मॉइस्चर होता है, सीसीआई या फेडरेशन आपका कपास खरीद रही है तो उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका जो रहता है 8% मॉइस्चर पे है। अगर आपका मॉइस्चर मान लीजिए 12% है तो आपका 4% दाम कम हो गया। अगर 6,000 रुपये है तो 4% काटेगा ग्रेडर, ग्रेडर तो आपका जो कम से कम 250 रुपये क्विंटल कम हो गया। वही अगर जो है आपका 2% 3% आपका अगर कम मॉइस्चर पे 5% मॉइस्चर है तो आपको 3% प्रीमियम मिलेगा। 3% प्रीमियम का मतलब हुआ कि आपका कम से कम 2,000 रुपये क्विंटल आपको मॉइस्चर कम होने का मिलेगा। उससे फायदा सबको है, अगर मॉइस्चर कम आपने रखा है मटेरियल तो ये कपास देख रहे हैं आप जो ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी ये आपको एकदम पांडरा दिखेगा। अगर मॉइस्चर पे रखोगे तो एकदम पीला पीला डल हो जाएगा कपास, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा चीज जो है कि आपका कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन का पिक्चर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रहती है। आज किसी भी स्पिनिंग मिल में जाइए, उनसे पूछिए कि भाई हिंदुस्तान के कपास में आपको प्रॉब्लम क्या, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग 50 लाख बेल का एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 10 लाख बेल का इंपोर्ट भी करते हैं, बाहर से भी लाते हैं। तो अगर उन्हें स्पिनिंग मिल को पूछा जाए कि भाई आपको परेशानी क्या है हमारे कपास में, हमारे पास तो इसे एक्स्ट्रा कपास है, तो
तो बोलते हैं साहब देख लीजिए ये सारी चीजें हम लोग जीनिंग फैक्ट्री, जो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, कोई बताएगा? स्लाइड चल रही सर? हेलो, यस सर, यस 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 सर, चल रही, कोई चल रही, सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर, हाँ, बीच 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 में कोई यस सर भी बोलते रहिए, नहीं तो क्या लगता है कि हम ही बक रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्लियर है, सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो ये चीजें जो है हम लोग एक्चुअल फैक्ट्री से मैं फोटो लेके आया हूँ, एक चीजें वहां पे इकट्ठा हम लोगों ने अलग अलग निकाल करके टेबल पर रख के इसको फोटो खींचे हैं। ये चीजें अपने कपास से स्पिनिंग मिल में मिलता, इसमें सबसे पहले जो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कि आप देखिए बाल रहते हैं, हमारे आदमियों के बाल भी रहते हैं और जानवरों के बाल भी रहते हैं। इसके बाद ये व्हाइट एंड कलर पीपी, ये पॉलीप्रोपिलीन, ये क्या रहता है कि जो हम लोग खाद वाली बोरी रहती है उसमें अगर कपास को एक बार भी रख दिया तो उसको निकलना ही निकलना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो बोरियां जो है सफेद कलर की भी हैं, रंगीन भी है, उस तरीके सारे पॉलीप्रोपिलीन उसमें निकल करके अपने कपास में इकट्ठा हो जाती है। वैसी चीजें उलझ भी जाता है, एक बार अगर फंस गया कपास में निकलता भी नहीं। और जो और चीजें जो मिलती है उसमें कपास कपड़े के टुकड़े, जैसे हमारे पुराने कोई रुमाल फट गई या कोई पैंट फट गया, किसी का अंडरवेयर फट गया, तो उसके टुकड़े क्या करते हैं कपास में आपको मिल जाएंगे फेंके रहते हुए। इसके अलावा जो चीज मिलेगा आपको सैक्रेट थ्रेड, जो हम लोग धागा वगैरह पहनते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, वो कलावा भी हम लोग निकाल के कुछ दिन में फेंक देते हैं तो अल्टीमेटली कपास में ही रिपोर्ट करता है। और जानवर की रस्सियां, जानवर की जो प्लास्टिक रस्सियां रहती हैं उनके टुकड़े बहुत ज्यादा उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद जो नट बोल्ट कोई आदमी घर में यूज कर रहा है वो अगर खराब हो गया तो फेंक दिया जाता है, अल्टीमेटली कचरे से जाकर के कपास में आ जाता है। और जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है प्लास्टिक का रैपर। ये समझ लीजिए प्लास्टिक का रैपर एक तरीके से कपास के लिए साइनाइड की तरह काम करता है। उसमें आप देखोगे बिमल गुटका का पाउच बहुत मिल जाता है, बिक्स का रैपर मिल जाता है, चॉकलेट का रैपर मिलता है, बिस्किट का रैपर मिलता है, दूध के पाउच मिल जाते हैं। तो जितने भी पाउच हम लोग डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं वो कपास में जाकर के मिक्स होते हैं। तो होना क्या चाहिए, हम लोगों की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग अगर प्लास्टिक को हैंडल कर रहे हैं तो कम से कम उसको एक ऐसे जगह पे जो है हम लोग डालें कि कहीं वो जो उसका रिसाइकल हो जाए, या तो जो है ऐसी जगह नहीं बांधे कि उड़ करके हमारे खाने में आ जाए या हमारे जो है कपास में जाए। इस तरीके से इसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो ये जो मैं बता रहा था कि आपका जो एक कॉन्टामिनेंट है, कॉन्टामिनेंट ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आपका स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग पिकिंग करते हैं कपास को, बिचाई शुरू करते हैं, तो वहां पे आपको कपास का बाल वगैरह आना शुरू हो जाता है कपास में। तो रखना क्या है कि वहां पे करते समय, पिकिंग करते समय जो आपके काम करने वाले हैं भाइयां जो मुख्य रूप से रहती है उनको बताना है कि बाल वगैरह ढक के रखें। दूसरा होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्टोरेज। हमारे किसान बंधु ज्यादातर कपास जहां रहते हैं वहीं स्टोर करते हैं, तो उसमें समस्या क्या आती है कि उनको सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज है जैसे गेहूं है हम लोग अच्छे से भर के रख देते हैं, चावल अच्छे से भर के रख देते हैं, कपास को हमको समझ में नहीं आता है कि खराब हो रहा, कोई बताता भी नहीं और कहीं जो है अब तक के बात भी नहीं पहुंचती है। दूसरे पे बच्चे भी खेलते रहते हैं, उसमें क्या करते हैं कि बाइयां बाल झालने के बाद जो बाल गिरा फेंक देते हैं, इस तरीके से चीजें अवेयरनेस नहीं है। तो होना क्या चाहिए, कपास अगर घर के अंदर भी कोई स्टोर करके रख रहा है तो आप उसको बोरे से ढक सकते हैं, जूट का बोरा हो गया उससे ढक के रख दीजिए, तो कम से कम उसमें ये सब चीजें बाल वगैरह ये सब चीजें रैपर वगैरह ये चीजें उसमें नहीं जाए। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जब ले जाते हैं आप भरते हैं तो उस समय भी जो आदमी लेबर भर रहा है उसको अगर बताया जाए कि भाई बाल बांध के रखो तो शायद जो है बाल कम उसमें जाएंगे। और इस तरीके से मिक्सिंग तो हमने पहले बता दिया कि मिक्स नहीं करना चाहिए, मिक्सिंग अवॉइड करना चाहिए। तो ये तीन जो फैक्टर हैं, मॉइस्चर, कॉन्टामिनेशन और मिक्सिंग,
ये फैक्टर जो है अपने कपास के लिए अच्छे नहीं है, जिससे हमारे कपास का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में या राष्ट्रीय बाजार में कम रहता है। तो ये चीजें डिस्कस हो गया। और अब जहां तक वैल्यू संवर्धन का आता है कि सर मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए, उसमें दो तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीजें कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरी जाते हैं कि क्या छोटे जिनिंग फैक्ट्री गांव में लगाए जा सकते हैं क्या? तो लगाए जा सकते हैं, उनके उसका हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर छोटी जिनिंग फैक्ट्रियां मुख्य रूप से मैं देख रहा हूँ अमरावती बेल्ट में लगभग 20-25 छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं। उसमें एक छोटा सा शेड लगता है लगभग 600 स्क्वायर फीट का, ये पीछे वाला एरिया छोड़ दीजिए, बाउंड्री से दूसरी हो गया है, जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है एरिया केवल इतना ही एरिया में जिनिंग फैक्ट्री चल रही है। उसमें ऊपर कपास ले जाने के लिए स्टेयर केस है और कपास को दबाने के लिए मैनुअली हाथ पैर से दबाते हैं, और यहाँ सरकी जो रहती है गड्ढे में इकट्ठा होती है, उस गड्ढे से सरकी को निकाल करके बाहर लाते हैं और बैग में भरते हैं। इस तरीके से मैनुअल जिनिंग फैक्ट्री कुछ जगह चल रही है। उसमें आप अंदर की पिक्चर देखेंगे तो टोटल 5 रेचे या DR जिन लगे हुए हैं, डबल रोलर जिन, और ऊपर देखेंगे सेंट्रल प्लेटफॉर्म लगा हुआ है जिसपे कपास को ले जाके जमा करते हैं, और वहां से कपास को पैरों के माध्यम से, एक लेबर रहता है पैरों के माध्यम से, इस तरीके से हम लोग कपास को एक एक डीआर जिन में डालते रहते हैं। ये स्क्रू कन्वेयर है जिससे सरकी जिनिंग होने के बाद में गड्ढे में नीचे गिरती है, यहाँ से सरकी को हम लोग भरते हैं। और एक छोटा सा एक वीडियो है, 1 मिनट का हम लोग देखते हैं, अगर चलता है तो, नहीं चलता तो बता दीजिएगा। दिखाइए वीडियो वीडियो दिखाई दिया? हाँ, दिख रहा है। यस सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ यस सर। दिख रहा था? हाँ, दिख रहा है। ओके। ये छोटा जिनिंग प्लांट है, उसका उसका दूसरा व्यू इधर से है। मैनुअल ले जाते हैं, कपास को पूरा मैनुअल लोडिंग किया जाता है। इस तरह टोटल जो है जिनिंग प्लांट का मैंने ऑपरेशन आपको दिखाया, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं इसमें लगभग 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट लैंड की जरूरत होती है। बिल्डिंग 600 स्क्वायर फीट, इसको बनाने का खर्चा 600 रुपये स्क्वायर फीट की जाता है। बिल्डिंग की हाइट 25 फीट रखना है जिससे कपास को ऊपर रखा जा सके। इसमें मिनिमम आपको 5 DR जिन लगा के रखना है। DR जिन फिट करते समय उसमें 3 फीट का गैप रखना है, और सेंट्रल प्लेटफॉर्म रखना है जिसमें कपास को जमा किया जा सके। स्क्रू कन्वेयर इसमें रहता है, केवल एक जो एडिशनल मशीनरी है उससे आपको कॉटन सरकी आगे आती है, और सीमेंटेड पिट रखना है जिसमें आपको कॉटन सीड स्टोर करके रखें। इसमें रुई को भरने के लिए जूट के बैग लगते हैं। टोटल अगर पावर देखा जाए तो लगभग 55 HP या 40 KV का उसमें इलेक्ट्रिक टोटल पावर का रिक्वायरमेंट रहता है। इसमें 8 लेबर टोटल लगते हैं। इस तरीके से अगर ये मशीन है, DR जिन मशीन ये है जिसकी कैपेसिटी 65 किलो 1 घंटे में रुई निकालने की रहती है,
इसमें 5 HP कनेक्टेड लोड रहता है और टोटल इस मशीन की कॉस्ट जो है 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपीज है एक मशीन की, और एक सीजन में इससे 800 बेल निकाले जा सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज है कि इसका सेटिंग करने के लिए एक्सपर्ट आदमी चाहिए, एक्सपर्ट फिटर चाहिए, एक आम आदमी का के बस का नहीं रहता है। तो अगर किसी को डालना है तो या तो फिटर रखना है या खुद की फिटर ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, ले सकता है। और जो इसमें मशीनरी की जरूरत होती है, एक आपको फायर फाइटिंग सिस्टम रखना है, क्योंकि कपास काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसमें जरा से आग लगने में पूरा जल जाता है, तो आपको फिर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह रखना है, पानी की व्यवस्था करना है, कम से कम 2000-3000 लीटर का टैंक रखना है जिससे कभी भी आपको फायर लगे तो आप बुझा सके उसको। ट्रांसफार्मर आपको एक 50 KVA का लगेगा। आपके पास अगर रुई ले जाने के लिए खुद की व्हीकल है तो अच्छा रहता है, नहीं दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा और टाइमली भी नहीं होगा काम। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि इस फैक्ट्री के बारे में तभी सोचना चाहिए जब आपके पास खरीदार हैं, क्योंकि आप स्पिनिंग मिल को बेच नहीं पाओगे। ये रुई को बेचना है तो फिर आपको कहाँ ले जाना है, जिनिंग फैक्ट्री वाले को देना, जिसके पास प्रेस है। तो अगर जिनिंग फैक्ट्री वाला आपका नहीं लेने को तैयार है तो फिर आपको कोई नहीं लेगा, आपको नुकसान आ जाएगा। तो जहां पे भी ये बिजनेस है वहां पे जिनिंग फैक्ट्री वाले रुई को खरीदते हैं। इसमें आपको 6 लाख रुपए एक दिन में कपास की जरूरत होगी और कम से कम 10 दिन के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, लगभग 60 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल हो तभी ये फैक्ट्री चल पाती है आपका। और टोटल मैंने दिखाया कि आपको लेबर पेमेंट लगभग 3000 रुपए पर डे लगेगा और एक सी दिन में आपको 100 क्विंटल कपास की जिनिंग करने के लिए लगेगा। ये जो है जो प्रेस की हुई बेल मैंने दिखाया आपको, ये बना के रखी हुई है, इनको गाड़ी पे लोड किया जाता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट देखें तो आप लैंड जमीन को हम मान के चल रहे हैं किसानों की खुद की होगी, आपको जो बिल्डिंग बनाना होगा उसमें कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, मशीनरी के लिए आपको कम से कम 15 लाख का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए 5 लाख का है, और छोटे मोटे खर्चे पकड़ लिए जाए तो 5 लाख रुपए हो गया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 30 लाख रुपए लगेंगे। उसमें एक चीज और रहता है, किसान हमेशा पूछते हैं कि मान लीजिए हम 30 लाख रुपए लगा करके फैक्ट्री चालू करते हैं तो हमको फायदा कितना होगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ लेना है कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अपना ही कपास जिनिंग कर लिए तो आपको पूरा फायदा हो गया, पूरा साल फैक्ट्री खर्चा निकल गया। ऐसी बात हुई जैसे आप आटा पीसने वाली मशीन लगाएं और खुद का ही आटा पीसें तो उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा। इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, आप अगर 5 क्विंटल को एक बेल होता है उसको अगर बेचेंगे तो आपको मुश्किल से 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि 1 क्विंटल में 50 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आप बेल नहीं बना पा रहे हैं, आप स्टॉक भी नहीं कर सकते, आपका जो मार्केट चल रहा है उसी में देना है, तो जो आपका खर्चा है वो निकाल करके थोड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा एक सीजन में। हाँ, अगर आप फुल कैपेसिटी में पूरा सीजन चला ले जाते हैं तो आप लगभग 4000 बेल बना सकते हैं, और 4000 बेल बनाएंगे तो अगर हम लोग देखें 250 रुपए बेल पकड़े तो आपको 10 लाख रुपए एक सीजन में इनकम हो सकती है। इससे आपको 3 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा वापस आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिटर्न 33% है, जो कोई भी फैक्ट्री डालने के लिए काफी अच्छा अमाउंट माना जाता है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं कि आगे चले, तो प्रश्न बाद में लिया जाए, आखिर में ले लेंगे सर प्रश्न। हाँ, तो लोगों को बोलिए, थोड़ा प्रश्न अगर है नोट करते रहे, लोग भूल जाते हैं। जो आदमी का डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, अभी हम लोग इस पे आएंगे कपास के बाद में।
कपास की पराठी से क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शायद ये ग्रामीणों की ज्यादा काम की चीज है। अगर हम लोग कपास की पराठी का तुलनात्मक अध्ययन अपने यहाँ जो इसका पेड़ की लकड़ी होती है, वृक्षों की जो लकड़ियां होती है, उससे अगर तुलना करें तो उसमें मुख्य रूप से तीन जो मेन पदार्थ होते हैं जिससे जो है हमारा लकड़ी बनी होती है, कोई भी चीज बना होता है उसमें मुख्य रूप से जो कपास की पराठी या लकड़ी में होता है सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है आपकी लकड़ी में लगभग 40-50% होता है और हमारे जो कपास की पराठी है उसमें भी सेलुलोज लगभग 44% लगभग लगभग जो है लकड़ी के बराबर सेलुलोज हमारे कपास की पराठी में होता है। हेमी सेलुलोज जो रहता है वो थोड़ा कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है, ये भी लकड़ी से लगभग मिलता जुलता है। और तीसरी जो चीज है लिग्निन, लिग्निन जो होता है वो एक तरीके से नेचुरल गम है जो सेलुलोज हेमी सेलुलोज सभी बाइंड होके एक साथ पड़े रहते हैं। तो वो क्या रहता है कि 27% होता है कपास की पराठी में, और जो लकड़ी देखा जाए तो उसमें लकड़ी में 18-25% ही होता है। इसका मतलब सेलुलोज जो कपास की पराठी में है उसकी मात्रा लकड़ी से भी ज्यादा है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि कपास की पराठी हमारी लकड़ी से कम नहीं है, लकड़ी के बराबर है। अगर जहां पे भी लकड़ी का उपयोग होता है वहां पे कपास की पराठी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। केवल फर्क इतना रहता है कपास की लकड़ी हमारी पतली है और कपास जो हमारे वृक्षों के रहते हैं डालियां रहती हैं थोड़ा मोटी रहती हैं। किसी तरीके से अगर कपास की पराठी को भी हम लोग मोटा कर दें तो क्या होगा, हमारा वृक्षों के वृक्ष के पेड़ के बराबर किया जा सकता है। उसी तरीके के जो प्रोडक्ट हमारे जो है डेवलप हुए हैं कपास की पराठी को थोड़ा से डेंसिफाई करके मोटा करके फिर उसके जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो कपास की पराठी के साथ साथ में और कौन सा चीज है, क्योंकि कपास की पराठी 3-4 महीने रहेगी, और कौन सी चीजें उपयोग में ला जा सकते हैं, जैसे सोयाबीन की कुटार है, मूंगफली ग्राउंड नट के छिलके हैं, शोरघम जहाँ पे होता होता है मस्टर्ड के जो कुटार है, चना हो गया, गेहूं हो गया, इवन जो बगास है जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, और जो जहाँ पे संतरे की खेती होती है उसका जो प्रूनिंग करते हैं वो लकड़ियों से लकड़ियों को भी ये सब उपयोग में हम लोग कपास उसमें वैल्यू एडिशन में कर सकते हैं। कपास की पराठी का अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके साथ में ये भी उपयोग में आता है। इसका कारण रहता है, टेक्निकल हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना बताएंगे कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू और एस जो है अच्छा रहता है, खराब नहीं रहता है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई अगर कपास की पराठी का स्कोप कितना है मार्केट में, महाराष्ट्र में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ एकड़ लगभग 40 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती महाराष्ट्र में होती है। उसको मैं समझाने के लिए एकड़ में डाल दिया कि 1 करोड़ एकड़ है, और एक जो कपास 1 एकड़ कपास की खेती में अगर ठीक ठाक कपास की खेती है तो, अगर बहुत सूखा है तो बात अलग है, तो उसमें कम से कम 1 टन पराठी आराम से निकल जाती है। तो अगर इसका हम वैल्यू देखें कि 1 टन पराठी से अगर 1,000 रुपए भी किसान को फायदा होता है तो 1,000 करोड़ का वैल्यू एडिशन जो है 1,000 करोड़ का वैल्यू एडिशन पॉसिबल है आपके कपास की पराठी से। विदर्भ में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लगभग 40 लाख एकड़ कपास की खेती होती है, तो कपास की पराठी भी 40 लाख टन के बराबर मिल सकती है, जिससे 400 करोड़ का आपका कपास की पराठी से कपास किसानों के इनकम बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से मराठवाड़ा में भी उतना ही है। अगर हम लोग और छोटे में कर देते हैं कि एक गांव में देखा जाए तो महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे कम से कम 1,000 एकड़ कपास की खेती रहती है। 1,000 एकड़ कपास की खेती में कम से कम 1,000 टन आपको कपास मिल सकता है पराठी, और उसको अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपए कपास की पराठी से उस गांव की इनकम बढ़ाई जा सकती है। इनकम के साथ साथ में रुपए के साथ साथ में
जो रोजगार क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और इसके साथ साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये तो मैंने किसानों की प्रॉफिट बताया, स्टेक होल्डर का जो बेनिफिट है उनको सबको पकड़ लिया जाए, तो इससे कई गुना जो है आपको वैल्यूएशन जो ग्राउंड में देखने को मिल सकता है। कपास की पराठी के जैसे हमने डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में लाए हुए हैं कि क्या चीजें जो है संभव है बना पाना। तो मैं यहाँ वीडियो से भी आप, शायद वीडियो मेरा ऑन नहीं है तो वीडियो नहीं दिखेगा, ये आपको कपास की पराठी जैसे, ये सबसे पहले मैंने ब्रिकेट दिखाया है। ब्रिकेट में क्या रहता है कि ये लगभग जो है 900 mm साइज का रहता है। कपास की पराठी मान लीजिए 5-6 mm को होगी तो इसको मोटा करके 100 mm कर दिया, मतलब कि 15 गुना मोटा कर दिया। और पेलेट जो रहता है वो खड़ू की साइज का रहता है, जिसे अपने लिखने वाला ब्लैक बोर्ड की खड़ू आती है उसकी साइज का रहता है, लेकिन इसको कंप्रेस किया जाता है, इसके बल्ब डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो जिसके कारण इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आसान हो जाता है। फिर इसके जो अपना टेबल पे हम लोग बैठे होंगे, टेबल टॉप जो रहता है, या कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए, या आप देखिए जो बिल्डिंग वगैरह में तो वॉल पैनलिंग वगैरह की जाती है, इनके लिए पार्टिकल बोर्ड जो रहता है उसका उपयोग लाया जाता है। कपास से मैं देखा हूँ कि हमारे यहाँ इधर चांदू रेलवे में एक बंधु हैं, काफी अच्छा मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, और कपास की पराठी से चारकोल बनाया जा सकता है, इससे जैसे मैंने बताया था कंपोस्टिंग भी किया जा सकता है। लेकिन कंपोस्टिंग करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र का कपास होता है उसमें क्या करते हैं, हम लोग काफी दिनों तक कपास को फील्ड में रखते हैं। जैसे यहाँ पे जून वगैरह में एक बार कपास का सोइंग हो जाती है, फिर क्या करते हैं कि आपका अक्टूबर नवंबर में कपास आना शुरू होता है, तो लगभग मार्च तक, फरवरी मार्च तक कपास को हम लोग कपास की पराठी को रखते हैं, तो तब तक पराठी काफी मेच्योर हो जाती है, तो उस स्टेज में इसको कंपोस्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर यही हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखें, वहां पे क्या होता है कि सेकेंड क्रॉप में तुरंत जाते हैं, कपास की पराठी निकाल करके तुरंत तो लोग उसमें जाते हैं, राइस कल्टीवेशन या वीट कल्टीवेशन, वीट में जाते हैं, तो वीट के लिए क्या करते हैं अक्टूबर महीने में वो पूरी तरीके से कपास की खेती को टर्मिनेट कर देते हैं, तो उनका जो कपास की पराठी रहती है नरम रहती है, मुलायम रहती है, तो उससे कंपोस्ट आसानी से बन जाता है। तो ये ध्यान देना है कि अगर बहुत कड़क हो गया कपास का पराठी तो उससे कंपोस्ट बनना डिफिकल्ट है। एक चीज मुझे बताना रह गया है, मैं उसको अभी बताता हूँ आपको, कि अभी एक हफ्ते पहले भारत सरकार का जो एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, जो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमासेस फॉर पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन के लिए अपने यहाँ जितने भी कोल वाले प्लांट हैं उसमें 100% अभी तक कोल का उपयोग किया जाता है, तो कोयले का उपयोग करने से बहुत सारे नुकसान रहते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग कोयले के अलावा जो बायोमास है इसका उपयोग कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, जहाँ तक काफी विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पूरे यूरोप में और पूरे नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर पावर प्लांट जो चल रहे हैं वो बायोमास के ऊपर चल रहे हैं। बायोमास का जो पेलेट है, ब्रिकेट है, हम लोग उससे 20 साल पीछे हैं। अभी हमारी सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, शायद 10-15 साल पहले लॉन्च किए होते तो आज जो है कोयला का इतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता, तो उसका क्या कारण है उसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे शायद, ठीक है, आगे हम लोग उसको ले लेंगे कि उसका क्या, क्यों वहां लोग जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं कपास की पराठी का। उसमें दो चीजें जो मैं आपको बताया, इसके प्लांट आपको कई जगह मिल जाएंगे, एक ब्रिकेटिंग प्लांट जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है हमारा, उसके ब्रिकेटिंग मशीन है, एक ही मशीन रहती है जिससे पूरा ब्रिकेट बन के निकलता है लाइन में, इस पिक्चर में दो मशीनें एक साथ लगी हुई है, और दूसरी जगह पे एक पेलेटिंग, स्मॉल पेलेटिंग प्लांट है जो हमारे यहाँ
एक डेमोस्ट्रेशन यूनिट करके लगाया गया है, उसका फोटो है। तो सबसे पहले ब्रिकेटिंग का चर्चा करते हैं। ब्रिकेट क्या होता है कि जो हमारा बायोमास रहता है, बायोमास का जो डेंसिटी रहती है काफी कम रहती है। अगर हम इसको थोड़ा से साधारण भाषा में समझाएं तो जो कपास की पराठी को अगर हम लोग ट्रक वगैरह में भरेंगे तो इसमें क्या होगा कि 15 टन वाले ट्रक में मुश्किल से 2 से 3 टन माल आता है, वो भी भरने में इतना दिक्कत जाती है कि लेबर का पूरा पूरा जो है शरीर छिल जाता है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। तो अगर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को छोटा साइज करते हैं। छोटा साइज करने के बाद में फिर उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद में जो मटेरियल बनता है वो ब्रिकेट फॉर्म में रहता है, उसका डायमीटर 90 mm रहता है जो ये दिखाई दे रहा है। और होता कैसे है कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो कोई बाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे जो मटेरियल के अंदर नेचुरल बाइंडर उपलब्ध है, नेचुरल जो बाइंडर है वो टेम्परेचर वहां पे जब प्रेस करते समय 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, तो वो टेम्परेचर से उसमें फिर लिग्निन मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद में फिर उसमें अपने आप बाइंडिंग हो जाती है, एक तरीके से आपका नेचुरल प्रोडक्ट लगता है कि मोटा नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे हाथी के सूर टाइप का प्रोजेक्ट बन जाता है। इसकी बल्क डेंसिटी लगभग 1000 होती है, जो लूज मटेरियल से 10 गुना अधिक जो है बलवान या कंप्रेस्ड होता है। इसमें पिस्टन प्रेस यूज होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इधर किस तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बनाने का, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, केवल मटेरियल को काट करके इसमें डाल देना है, ब्रिकेट बन के निकल जाता है। इसका जो उपयोग है, मुख्य रूप से उपयोग इसका जहां पे भी बॉयलर लगे हुए हैं, जिस भी प्लांट में बॉयलर लगे हुए हैं वहां पे लकड़ी या कोयला से उसमें ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं, वहां पे आप ब्रिकेट को आसानी से जलाया जा सकता है। जैसे कहाँ कहाँ, जैसे बहुत सारे मिल है, शुगर मिल, पेपर मिल, सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हल्दीराम है, हल्दीराम जो नागपुर की यूनिट है भंडारा रोड पे, वहां पे डेली 60 टन ब्रिकेट और पैलेट का उत्पादन जो है कंजम्पशन है। तो जितने नागपुर के आसपास के रीजन में ब्रिकेट पैलेट बनाने वाले हैं सब हल्दीराम में सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे नागपुर में देखा है एक बेल्ट बनाने कंपनी है, उनके पास बॉयलर बना है जो बेल्ट को गर्म करके उसको मेल्ट करने के लिए करते हैं, जहाँ हीट के उपयोग करते हैं, वहां पे भी वो डेली कम से कम 40 से 50 टन ब्रिकेट का वो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि इससे फायदा क्या है आपको, तो बोले फायदा इसका सर बहुत सारे हैं। उसमें मुख्य रूप से कह रहे हैं फायदा क्या रहता है कि जैसे इसमें आयस जो रहती है, इधर हम लोग ले लेते हैं कि क्या फायदा है। अगर कोयला में हम देखें तो कोयला में 20 से 40% आयस होती है, आयस समझ रहे हैं, मतलब राख होती है, और उसका जो बल्क डेंसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू, हीटिंग वैल्यू देखेंगे तो लगभग लगभग अपने बायोमास के बराबर है। तो इतनी सारी जब आयस रहती है तो इस आयस से क्या होता है, इसको डिस्पोजल का बहुत इशू जाता है। अगर मान लीजिए मैं हल्दीराम का एग्जाम्पल लेता हूँ, डेली उनका 60 टन का कंजम्पशन है, अगर 20% भी हम लोग उसमें पकड़ लें कि 20% उनको आयस मिल रही है, तो 60 का 20% कितना हो गया, लगभग जो है आपका 1 टन से ज्यादा उनको डेली, 1 टन नहीं 12 टन जो है 20% 12 टन हो गया, तो 60 का 20% 12 टन के 1.5, हाँ 12 टन उनको डेली जो है उनका आयस होगा। अब इसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, नदी नाले गड्ढे तो आसपास सब बिल्डिंग बन गई, भर गए हैं सब, कहाँ डालेंगे उसको, डालेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीछे पीछे पहुंच जाता है, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी नहीं आएगा तो कोई आसपास रहने वाला कंप्लेन करेगा कि हमारे पास बहुत राख उड़ रही है, सब पोल्यूशन हो रहा है। और अगर आप कोल चलाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री हमेशा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में आती है, तो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमेशा पिक्चर में रहेगा, तो आपको टारगेट में ना होगा कि आपका यहाँ जो है फ्लाई एस ज्यादा निकल रहा है, आपके यहाँ धुआं ज्यादा निकल रहा है। तो इन सब समस्याओं को निराकरण करने के लिए बायोमास संबंधित जो प्लांट हैं वो काफी मात्रा में लग रहे हैं, और उसमें सिंपल कुछ चेंज नहीं करना रहता, केवल आपको फ्यूल बदलना है, आसानी से बदल जाता है।
इसलिए जो है बायोमास ब्रिकेट का मार्केट में ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट जो है, जो हम लोग अगर ब्रिकेट बनाते हैं तो उसमें किस तरीके की मशीनरी रहती है, जैसे मैंने बताया केवल एक मशीन है जो सेंटर में लगी हुई है, इससे जो है ब्रिकेट का उत्पादन किया जाता है। इसमें जैसे ये पिक्चर दिख रहा है जो कपास की पराठी है, इसको कड़वा कटर या चिपर से हम लोग कट कर देते हैं, लगभग 8-10 mm साइज का कट हो जाता है। उसके बाद फिर मैनुअल या ट्रैक्टर फीडिंग से हम लोग उसको मशीन में डाल देते हैं, फिर स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ, इससे माल आगे जाता है, फिर एक्सट्रूजन माध्यम से आप देखेंगे ब्रिकेट बन के निकल रहा है। इसको अगर हम ये इस स्लाइड में आके देखेंगे तो इस तरह से बायोमास रखा हुआ है और ये आपका ब्रिकेट बन के निकला हुआ है। इसमें जो इस स्लाइड से मैं मुख्य रूप से आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें आपको लगभग 90 HP कनेक्टेड लोड की जरूरत होती है और इसकी जो कैपेसिटी आती है मशीन से 1 से 1.25 टन एक घंटे में बनता है। मैन पावर इसमें 6 आदमी लगते हैं जो आपको एक समय प्लांट चलाने के लिए उपयोग में आएंगे। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट देखें कितना खर्चा आ रहा है, आपको जो लैंड है खेती लैंड, आपको खुद का मैं मान के चला हूँ लगभग 2 एकड़ लैंड आपके पास होगी लगाने के लिए, या आप रोड साइड में अगर किसी पास को लगाना है तो खरीद भी सकता है। मशीन की जो कॉस्ट है 16 लाख रुपए है और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 35 लाख रुपए के आसपास आता है। इसमें आपको जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट लगभग 600 रुपए टन के आसपास आता है। टोटल खर्चा लिखा, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह लिखा हुआ है। और इसका हमसे भी पूछते हैं कि मशीन मिलती कहाँ है, तो ये मशीन जो है मुख्य रूप से राजकोट में बनती है। अगर कोई लेना चाहे तो नेट पे आप राधे ब्रिकेटिंग मशीन डालिए तो आपको मिल जाएगा, RADHEY, राधे का मशीन काफी फेमस है। और एक लुधियाना मैंने लेहरा में एक मॉडल भी देखा है, वो भी ठीक ठाक चलती है। इसके अलावा भी 3-4 और हैं। इसमें अच्छी चीज यह है कि सारे मशीनों की परफॉर्मेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं, लगभग 10 साल से मार्केट में है, काफी ऑप्टिमाइज मशीन। एक ब्रिकेटिंग प्लांट का एक छोटा सा वीडियो है जो एक्चुअल कमर्शियल प्लांट का है जो काटोल में चल रहा है, उसका वीडियो हमने बनाया है, मैं आपको क्विकली इसको दिखा देता हूँ। इस तरह देखेंगे आपका जो बायोमास है चिपिंग करके आया हुआ है, इसको मैन्युअली डाला जा रहा है। वीडियो दिख नहीं पा रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, वो नेटवर्क का है, जिसके पास नेटवर्क होगा उसको दिखेगा। इस तरह से इसको ये आपका ब्रिकेट बन के निकल रहा है, ये ब्रिकेट दिख रहा है ना, ब्रिकेट बन के निकल रहा है। ये ब्रिकेटिंग मशीन के बाहर का स्टोरेज एरिया है, वहां पे आ रहा है और अपने आप ये जो है टूट करके इकट्ठा होता ही फॉर्म में बनता रहता है। एक बार ब्रिकेट बन गया तो इसको फिर पॉलीथीन वाले जो बैग रहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन वाले, उसमें पैक कर देते हैं। इसको पॉलीप्रोपिलीन बैग में इसलिए किया जाता है कि मॉइस्चर नहीं लगे इसमें, और पैक करने के बाद में फिर एक गाड़ी लगी रहती है, गाड़ी में इसको लोड करके भेज देते हैं जहां पे आपका ऑर्डर रहता है। ये टोटल आपका ब्रिकेटिंग प्लांट का मैंने देखा। एक एक्चुअल प्लांट है जहां पे हमारे पास लगभग 5 कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स आए हुए थे, वो यूनाइटेड नेशंस के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। हम लोग के यहाँ 5 दिन के लिए आए हुए थे, हमारे प्रोजेक्ट का उन्होंने देखा था, काफी अच्छा लगा था उनको, तो हमको 10 लाख रुपए उन्होंने फीस भी दिया था और 1 हफ्ते रखा था, तो हम लोगों ने उनको पूरा दिखाया था किस तरीके से इसका बायोमास का वैल्यू एडिशन होता है। एक प्लांट के जो RV में लगा हुआ है, RV पे है ये प्लांट का फोटो है, जहाँ पे इतने सारे ब्रिकेट एक साथ फैक्ट्री में बने हुए हैं और हम लोग यहाँ पे सामने खड़े हैं। एक मिनट में सर,
ज्यांना दिसत नाहीये त्यांनी काय करायचे, ज्यांना पीपीटी दिसत नाहीये त्यांनी त्यांच्या मोबाईल मध्ये 53 अदर्स म्हणून तुम्हाला खाली मेसेज दिसतो जिथे नाव दिसतात लोकांची, तिथे जाऊन ऐसा भी है नहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, बीच में किसी ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया तो वो हो जाता है सर। हाँ, वो कोई और शेयर करेगा तो उनका जाएगा। नहीं नहीं, दिख रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन इसको पिन करना पड़ता है। सर, जे लोग मोबाइल एंजॉइन झाले त्यांना मोबाइल वर जिथे तुम्हारा खाली कॉन्टैक्ट नाव दिसतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला सुजित कुमार शुक्ला प्रेजेंटेशन असे यादी मध्ये नाव दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला पिन करायचे। सर, त्याच्यात दिसत नाहीये सुजित कुमार ना, तिथे नाही दिसणार, ते प्रेझेंटेशन म्हणून त्यांचं वेगळं नाव दिसतं, डबल त्याच्यामध्ये दिसेल। शुक्ला सर, एक रिक्वेस्ट है आपको, स्टॉप शेयर कर, स्टॉप प्रेजेंटेशन करके फिर स्टॉप कर देता हूँ, दूसरे का भी स्टॉप करा दीजिए फिर। नहीं नहीं, वो तो हो गया है, वो हो गया है, सिर्फ मोबाइल में जो देखते हैं उनको वो दिखता नहीं, रिपीट में उनको पिन करना पड़ता है बाद में, वो तो दिख रहा है आपका, सिर्फ आप एक बार स्टॉप करके फिर एक बार स्टॉप कर दिए। हाँ, स्टॉप हो गया, अभी अभी स्टॉप हो गया, और एक बार प्रेजेंट नाउ कर दीजिए। ठीक है ठीक है, एक मिनट सर मैं करता हूँ, दूसरा नेटवर्क भी ले लेता हूँ। नहीं नहीं, दिख रहा है सर, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, सिर्फ ये पिन एंटर करने की वजह से वो हो जाता है, जो पिन नहीं। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। बाकी चलने को पहले म्यूट करा माइक सर। अभी दिख रहा है सबको? हाँ सर, प्रेजेंट हो रहा है, ये जो है इसका फॉरेन कंट्री में इसका ज्यादा उपयोग हो रहा है आजकल, उसका कारण क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इससे पहले देखते हैं पैलेट को बनाया कैसे जाता है। पैलेट एकदम ब्रिकेट की तरह ही बनता है, लेकिन ये थोड़ा उससे फाइन रहता है। ब्रिकेट 90 to 100 mm साइज का होता है, ये जो है 6 mm, 8 mm, 10 mm साइज का होता है, थोड़ा उससे बारीक होता है, मैंने बोला खड़ू टाइप का होता है। इसको बिल्कुल बनाने का तरीका वही है, पतला है तो इसलिए एक दो मशीनें और लगती है बनाने में, बस इतना ही फर्क है। इसमें भी वही प्रोसेस है, आप क्या करेंगे बायोमास को पहले हैमर चिप करेंगे, फिर इसके बाद और पतला करने के लिए हैमरिंग करेंगे, हैमर मिल में ले जा करके उसको होने के बाद में फिर आप पेलेटिंग मशीन में डाल देंगे। पेलेटिंग मशीन में जो आपका इसमें बायोमास का जो बाइंडर है, बाइंडर फिर से वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के पिघल जाता है, पिघलने के बाद में फिर आपको एक बाइंड कर देता है मटेरियल उस साइज में, इससे आपका जो बल्क डेंसिटी रहती है, बल्क डेंसिटी आपके 600 हो जाती है, मतलब 6 गुना उसका बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है जो आपका रॉ मटेरियल रहता है। इसमें रैम डाइव टाइप का जो प्रेस आता है वही पॉपुलरली यूज होता है। तो कैसे करते हैं इसको, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए हम आपको वीडियो दिखा देंगे, उससे समझ में आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि जैसे मैं बता रहा था कि फॉरेन में पैलेट का जो है काफी ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। आप मैं 3 साल का आप तीन जो है साल तीन डेटा प्रेजेंट करूंगा जो 2010 से 2020 के बीच में है। आप देखेंगे कि चाइना में 2010 में, एक थोड़ा डेटा पुराना है, लगभग जो है 2010 या 12 में पब्लिश हुआ था डेटा, 2010 में उनका 0.6 million ton पेलेट का उत्पादन हो रहा, और वही उन्होंने टारगेट रखा था 2015 में 3 million ton करने का और 2020 में 10 मिलियन टन करने का। तो आप देखिए 0.6 से 10 में चले, 10 मिलियन टन चले गए, कितना गुना बढ़ गए वो, 20 गुना से भी ज्यादा लगभग उनका जो है टारगेट हो गया, 20 गुना के आसपास उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपना कैपेसिटी। इसी तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे 5 million ton से वो लोग 11 million ton चले गए, यूरोप में भी लगभग जो है डबल हो गया, 7 से 14 के आसपास गए, रशिया में भी 3 गुना हो गया, 0.6 से 1.8 में गए, कोरिया हो गया, साउथ अमेरिका जो ब्राजील वगैरह है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे भी लगभग जो है 0.1 से 4.4 में पहुँच गए,
इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरे मैप में कहीं पे आपको इंडिया का डेटा नहीं दिखेगा। हाँ, इंडिया के ऊपर जरूर लगाया है लेकिन वो चाइना का है। तो इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज पिकअप होने में बहुत टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी जब आउटडेटेड हो जाती है तो अपने यहाँ पहुंचती है। तो उसका कारण क्या था कि ये लोग इतने तेजी से, जैसे चाइना ने इतने तेजी से क्यों बढ़ाया, उसका कारण क्या था? अगर चाइना ने इतने तेजी से क्यों बढ़ाया, उसका कारण यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस में एक जो है उनका एक बिल पास हुआ था, ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी बॉयलर या पावर प्लांट बायोमास के ऊपर चल रहे हैं उनको नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट माना जाएगा, उनको पॉल्यूशन फ्री माना जाएगा भले वो पॉल्यूशन करें। तो उससे उनका पर्पस क्या था कि जो कोयला वगैरह है उसका कंजम्पशन कम किया जाए, बायोमास जो हर साल ऐसे ही पड़ा रहता है जला दिया जाता है इसे खेतों वेतों में, उसका उपयोग बढ़े। तो इसका बेनिफिट लेते हुए जो ये जितने वेस्टर्न कंट्री थी ये तुरंत ही स्विच ओवर हो गए, 20 साल में इन्होंने पूरा स्विच ओवर कर दिया। अभी क्या हुआ है, इंडिया के ऊपर प्रेशर काफी आने लगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो कि बहुत सारा पोल्यूशन कर रहे हो, इतना ज्यादा है कोयले से बिजली बना रहे हो। और इसके अलावा आप देखेंगे कि दिवाली के आसपास जब ये पराली जलाई जाती है पंजाब हरियाणा राजस्थान बेल्ट में, तो पूरा दिल्ली के ऊपर एकदम अंधेरा छा जाता, कोहरा सब छा जाता है। तो ये दिल्ली जो है इंटरनेशनल मीडिया का टेंशन रहता है, तो पूरे विश्व में और इवन जो है अपने राष्ट्रीय मीडिया दिन रात उसको दिखाते रहते हैं। इससे गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी नेशनल मिशन ही लॉन्च किया कि किस तरीके से बायोमास जो कोल वाले प्लांट हैं उसमें 20% हम लोग बायोमास कम से कम उपयोग करें। क्योंकि फॉरेन कंट्री में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए कि पूरी तरीके से उनके जो पावर प्लांट हैं ये पेलेट के ऊपर चल रहे हैं। नीदरलैंड बेल्जियम यूके में पूरा जो बड़े पावर प्लांट हैं पेलेट पे चल रहे हैं। डेनमार्क स्वीडन इसमें पूरे पावर प्लांट जो है आपके उस पर चल रहे हैं, पेलेट पे चल रहे हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया इटली फ्रांस में जितने भी पावर प्लांट हैं, इंडस्ट्री में हीटिंग हो रही है, स्मॉल स्केल जो रेसिडेंशियल हीटिंग है वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, पेलेट का उपयोग कर रहे हैं। यूएसए जो है काफी हद तक वो पेलेट पे जो है पावर जनरेट कर रहा है, 60% अपने आप खुद का उपयोग कर रहा है और 40% एक्सपोर्ट करके कहाँ भेज रहा है, वो यूरोपियन कंट्री को भेज रहा है। अगर अमेरिका कोई चीज बना करके यूरोप में मार्केटिंग कर सकता है तो निश्चित रूप से इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा वो वहां पे काफी सस्ता बिक सकता है। तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है मार्केट में। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि पेलेट में स्विच ओवर करने के इसके बहुत फायदे हैं, जैसे मैं आपको डिस्कस किया। अब पेलेटिंग जो है जो प्लांट रहते हैं उसमें दो टाइप के प्लांट मुख्य रूप से हैं मार्केट में। एक तो आपका छोटा प्लांट रहता है जो जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 से 150 केजी पर आवर रहता है, एक टन एक दिन में देखा जाए तो इसमें 2 से 3 टन प्रोडक्शन किया जा सकता है। और कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ क्या कई सारे बड़े प्लांट हैं, ज्यादातर बड़े ही प्लांट हैं, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 घंटे में 1 से 2 टन के आसपास होता है। तो एक छोटा प्लांट जो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लगाया हुआ था उसका मैं वीडियो बनाया हूँ आपको देख एक दिखाने के लिए, सारा ऑपरेशन मैनुअल किया है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि बायोमास जो चिप्ड है हैमर्ड है उसमें मॉइस्चर डालते हैं। पेलेट बनाते समय आपको 12 से 15% मॉइस्चर, अगर ठंड बरसात का महीना है तो 12%, गर्मी का महीना है तो 15% आपको मॉइस्चर लगेगा। उस मॉइस्चर को एड में थोड़ा सा बाइंडर भी उसमें डालते हैं, बाइंडर का मैंने आगे चल रहा हर्षका से 2% से 5% तक बाइंडर ऐड कर देंगे। बाइंडर्स के बिना भी बनाया जा सकता है वो, लेकिन बाइंडर इसलिए डालते हैं कि उसके ऊपर हमारी चमक आ जाती है, हल्का से काला काला चमक आ जाता है, फिनिश आ जाती है। तो फिनिश से क्या होता है प्रोडक्ट थोड़ा से उसमें स्ट्रेंथ भी आती है और अट्रैक्टिव रहता है जिससे कोई भी आदमी परचेज करता है। ये जो मैनुअल ऑपरेशन दिखा रहे हैं फैक्ट्री में मैनुअल नहीं होता, मैंने केवल दिखाने के लिए बनाया है। इसको हैमर रहता है, एक
चैम्बर रहता है, चैम्बर में ही बनाया जाता है वो, मिक्सिंग चैम्बर में। ये देखिए एक बार आपने जब बना दिया, जब बनाने के बाद में इसको मशीन में डाल देंगे, मशीन में डालने के बाद में ये आपको पेलेट बन के निकल रहे हैं। वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर, यस यस दिखाई दे रहा है सर। हाँ, ये जितना मैंने दिखाया आपको मैनुअल छोटे स्केल पे दिखाया, जो इंडस्ट्री में रहता है प्रिंसिपल सेम है, केवल मशीनें बड़ी रहती हैं बस, जो हाथ से कर रहे हैं वो मशीनों से होता है। तो बहुत आसान तरीका है पेलेट बनाने का, इस तरीके से आपका पेलेट बन करके तैयार हो जाता है, जो फिर बोरियों से हम लोग आगे पैक करके फैक्ट्री में भेज देते हैं। और पेलेट का उपयोग जैसे पावर प्लांट में हो रहा है, और एक दूसरी चीज में भी पेलेट का उपयोग जो हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, उसमें पेलेट को एक जहाँ पे जैसे रोड साइड ढाबा है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, वहाँ पे जो मुख्य रूप से मैं देखा जहाँ पे फरसान वगैरह की दुकान है, वहाँ पे अभी तक क्या होता है कि पूरा कमर्शियल जो सिलेंडर रहता है, एलपीजी सिलेंडर रहता है, उसका उपयोग करते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर से के अलावा अगर के जगह पे अगर हम लोग इस तरह पेलेट स्टोव का से खाना बनाएं, तो हमारा जो खाना रहता है वो लगभग 25 से 75% जो है कम खर्चे में बन जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक सिलेंडर से एक दिन में 300 रुपये लग रहा है, गैस लग रही है, तो आपका 100 रुपये गैस खर्च करके पेलेट से वही चीज़ें किया जा सकता है। तो इस तरह के कई ज्यादा बहुत सारे होटलों में चल रहा है, यही नागपुर में एक साई राम फरसान करके हैं, उनके यहाँ हमारा इस तरह का पेलेट स्टोव चल रहा है। तो वो पेलेट स्टोव को दिखाने के लिए देखने के लिए जो अंगटेड है, यूनाइटेड नेशंस फॉर कमर्शियल ट्रेड एंड ट्रेड करके है, कमर्शियल एंड ट्रेड डिवीजन है वो, उसकी ऑफिस वहाँ जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहाँ का एक जो सीईओ थे क्रिस करके, वो हमारे यहाँ आए हुए थे, उनका हमने डेमोस्ट्रेशन दिखाया था, जिससे वो कह रहे थे कि इसको हम लोग फॉर अपने यहाँ भी कंट्री, कई सारे अफ्रीकन कंट्री में प्रमोट करने की बात करके गए थे, लेकिन इसके बाद फिर से कोरोना आ गया, शायद उनका जो मिशन था रुक गया है। तो इस चीज़ों से भी जो है इस तरह से भी आपको पैलेट का किया जा सकता उपयोग। ये करने से बेनिफिट क्या होगा कि इससे किसान का जो बायोमास जल रहा है वो काम में आएगा, और इसके साथ साथ में उनका किसान का इनकम बढ़ेगी, प्लस जो गैस जो हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं, अपने यहाँ गैस कमी बनती है, एलपीजी गैस जो इंपोर्ट करके लाते हैं, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा। जो मैं बाइंडर की बात कर रहा था कि कौन से बाइंडर पेलेट बनाते समय लगते हैं, ज्यादातर लोकली रहते हैं, जो अपने यहाँ काजू कैसू सेल का जो पाउडर सेल का सेल जो है जो काजू का छिलका है उसका पाउडर बनाते हैं, उसमें काफी ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है, उसको उपयोग में लाया जाता है, कुछ इस पेलेटिंग प्लांट वाले करते हैं। कुछ लोग जो अपने यहाँ चरोली होती है या चिरौंजी चारोली मराठा महाराष्ट्र में बोलते हैं, इंग्लिश में कड़प्पा, उसका जो पाउडर रहता है, उसको जो पॉलिश करने के बाद जो पाउडर बचता है उसका भी उपयोग करते हैं। और बहुत सारे चीज़ें हैं कमर्शियली उपयोग में लाए जाते हैं जो जो अपने यहाँ उपलब्ध हैं, इनको अगर मिक्स करके हम लोग पेलेट का उत्पादन करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेलेट जो है बनता है। लगभग आपका 4000 किलो कैलोरी पर केजी का इसमें कैलोरीफिक हीटिंग वैल्यू मिल जाती है, आइस कंटेंट भी एक्सेप्टेबल 5% से कम आता है, डेंसिटी भी अच्छी आ जाती है। टोटल मेरे कहने का मतलब है जो क्वालिटी पेलेट है आपका कपास की पराठी और ये जो है आपके बाइंडर मिलाने से मिल जा बन जाते हैं। स्मॉल पेलेटिंग प्लांट का अगर हम लोग देखेंगे कि अगर डालना है किसी को तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसमें लैंड जो है आपको लगभग 1 एकड़ लैंड की जरूरत होती है, बिल्डिंग बनाने का खर्चा आपको लगभग 2 लाख रुपए कम से कम लगेगा अगर
देखा जाए, शेड डालना है इतना, थोड़ा 1-2 लाख कम हो गया, लेकिन अगर कोई आदमी पुराना टीन वगैरह लेके डाल देता है तो हो जाता है, मैं देखा हूँ कई लोग किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक खर्चा आपका लगभग 4 लाख रुपए के आसपास लगता है कनेक्शन लेने का, आपको एक श्रेडर मशीन 2 लाख का हो गया, पेलेटाइजर 4 लाख का, तो टोटल आपको लगभग 15 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। और इसमें देखेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो लगभग आपका 5,700 या 6,000 रुपये पर टन आता है। अगर आपको 7,000 से 8,000 रुपये टन का मार्केट मिलता है तो आपको एक महीने में लगभग 46,000 रुपीज का इनकम हो सकती है, और टोटल एक एक साल का देखा जाए तो आपका लगभग 1,20,000 रुपये का नेट इनकम हो सकता है। रेट ऑफ रिटर्न इसमें लगभग 41 मंथ रहता है जो रिटर्न पीरियड है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, मुझे ध्यान रखना है कि जो पेलेट बनाने का खर्चा छोटे मशीन से आपको लगभग 6,000 रुपये टन पड़ रहा है, लेकिन जो बड़े प्लांट वाले हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं वो मुश्किल से 5,500 रुपये टन करते हैं। आज की डेट में हल्दीराम 5 रुपये 60 पैसे किलो में खरीदते हैं, और भी बोलते हैं, उनके मालिक से ही मेरी बात हुई, बोलते हैं फिर भी बहुत महंगा पड़ता है, महंगा लग रहा है। तो अगर छोटे प्लांट डाल करके हम लोग उनको कम्पीट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके आसपास इस तरह से स्टोव वाले, पेलेट स्टोव वाले या रेस्टोरेंट वाले, ढाबा वाले, जिनकी रिक्वायरमेंट डेली कम से कम 10 किलो 12 किलो की है, अगर इस तरह से आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप होम डिलीवरी करके उनका सप्लाई करते हैं, तो वो लोग महंगे लेते हैं, इवन 10 रुपये तक 12 रुपये किलो तक भी ले लेते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करने की जगह नहीं रहती है, बरसात में तरह गीला हो जाता है तो डेली उनको लगता है। तो अगर इस तरीके का आपको मार्केट मिलता है तब इस तरह के प्लांट के बारे में सोचना है, नहीं तो नहीं डालना है, नहीं तो बड़े प्लांट के बारे में देखना है। बड़ा प्लांट मैं यहाँ नागपुर में देखा हूँ कि जो सावनेर एरिया है, जो सुनील सुनील बाबू केदार का एरिया है, वहां पे 3 बड़े बड़े पेलेटिंग प्लांट आ रहे हैं। एक एक पेलेटिंग प्लांट में मैं देखा दो दो तीन तीन मशीनें डाली हुई हैं, उसके साथ में 3 ब्रिकेटिंग भी डाले हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 3 करोड़ रुपये प्लांट और बिल्डिंग में है। अगर उनका प्लांट बिल्डिंग और लैंड वगैरह छोड़ दिया जाए और खर्चा, तो प्लांट्स में उसमें रहता क्या है कि एक साथ उनका कम से कम 5 टन 6 टन 1 घंटे में बन रहा है, तो एक दिन उनको 100 टन बन जाता है, तो 100 टन बनाने में उनका जो खर्चा आ रहा है वो काफी कम पड़ता है। तो उनका जो मेथड है उसमें जो रहता है सब इतना प्रोसेस तो सेम है, बायोमास कलेक्शन आपका सेम है, आप शेडिंग जो करेंगे उसको कड़वा कटरा से काटेंगे वो भी सेम है, अगर आपके पास काफी गीला माल आ रहा है 30% 35% मॉइस्चर में है तो उसको थोड़ा सुखाना भी पड़ सकता है आपको, और फिर आपको एक हैमर मिल से करना है, बस जो बड़ा पीस है उसको छोटा करने के लिए 3 mm साइज का कम से कम करना पड़ेगा, हैमर मिल में डालना पड़ेगा, फिर मिक्सचर जो मैंने दिखाया जो हाथ से मिक्स कर रहे हैं, उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे उसको उसमें मिक्स करेंगे, मिक्सर में मिक्स करेंगे, फिर आप पेलेटाइजर मशीन में डालेंगे। पेलेटाइजर मशीन से देखिए ये माल जा रहा है बेल्ट कन्वेयर से मशीन में, और यहाँ से पेलेट बन के ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ जाएगा। एक कूलर लगाते हैं, कूलर से क्या होता है जब बनता है तो माल गर्म रहता है, उसको ठंडा करके भरेंगे नहीं तो वो टूट जाता है। इस तरह से कूलिंग करेंगे आप, कूलिंग करने के बाद फिर बैग में भर करके आप ट्रांसपोर्ट से आगे भेज देंगे। टोटल आपका लार्ज पेलेटिंग प्लांट का मैंने जो है आपको पूरा बताया किस तरीके से ब्रिकेटिंग जलाया जा सकता है, पेलेटिंग किया जा सकता है, और आपका छोटी जिनिंग फैक्ट्री डाला जा सकता है। अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको 25-30 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उससे कम वाले नहीं। तो किसान हमेशा पूछते हैं कि भाई हमारे लिए क्या, हम क्या करेंगे इसमें, इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ये सारी चीजें ब्रिकेट बनेगी, पैलेट बनेगा, इनका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो गांव से ही आएगा तभी तो फैक्ट्रियां चलेंगी, नहीं तो फैक्ट्रियां चलेंगी ही नहीं। तो रॉ मटेरियल कलेक्शन में भी बिजनेस किया जा सकता है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। अगर ये मिशन सक्सेस होता है गवर्नमेंट का
कि 20% अगर वो कोल का उत्पादन शुरू कर देते, कोयले की जगह पे बायोमास से पावर जनरेशन शुरू करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा जो है बायोमास कलेक्शन होगा। आप एक एक पावर प्लांट में एक घंटे में 50 टन कोयला लगता है, 50 टन में अगर वो 20% में जाते हैं तो 10 टन लगेगा, 10 टन एक घंटे में लगेगा और 24 घंटे चलते हैं पावर सप्लाई, तो 250 टन जो है एक घंटे में लगेगा, एक दिन में लगेगा। इस तरीके से अगर 10 प्लांट चल रहे होंगे हमारे आसपास में तो कितना सारा उसमें बायोमास का उपयोग होगा, तो इससे काफी स्कोप है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि कपास मंडियों में कपास की गाड़ियां लगी रहती हैं कपास करने के लिए, आगे आने वाले समय में बायोमास की गाड़ियां भी लगेंगी, ऐसा मेरा सपना है कि सब लोग सारे किसान ले आएंगे, भाई हमारा हमारी पराठी ले लो, हमारी पराठी लंबी है मोटी है, इस तरीके का मार्केट आगे चल के आ सकता है अगर सही तरीके से ये मिशन इम्प्लीमेंट होता है। तो उसमें जो हम लोग गांव में अगर कलेक्शन करेंगे, सर आपके हिसाब से 11:30 हो चुका है। हाँ सर, अगर अगर जो है मतलब चाहे तो मैं 5 मिनट में खत्म करके 5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं क्विकली 5 मिनट में समराइज कर देता हूँ सर, क्योंकि और दूसरे लेक्चरर वेटिंग में होंगे। ऐसा ही करें कि नहीं सर, वही सही रहेगा सर, वो भी वेटिंग में है अभी। हाँ तो ठीक है सर, 5 मिनट में बायोमास कलेक्शन वाला जो काफी काम का है इसको ले लेता हूँ। तो बायोमास बायोमास का जो कलेक्शन के जो तरीके हैं उसमें एक तरीका तो मैनुअल है जो चिमटे से करते हैं, वो किसान बंधु को सबको पता है वो सब चिमटे से कैसे किए जाते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दूसरा तरीका ये रहता है कि वी फास लगा करके, भी गांव में काफी प्रचलन हुआ है, वी फास लगा करके पूरा मटेरियल को उखाड़ लेते हैं, फिर कुछ दिन उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर कलेक्ट कर लेते हैं लेबर लगा करके। और फिर आपको क्या करना है इसमें, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो सारी चीजों का प्रबंध होना चाहिए, कोई एक चीज अगर लिंक मिसिंग है तो आपका फिर पूरी तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर इस तरह कलेक्शन स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, एक तो आपको शिपर लगता है, जो इसके दो सप्लायर मेन हैं, एक सरदार इंजीनियरिंग नागपुर का है, काफी दिनों से बना रहे हैं, लगभग 25 साल से तो मैं जानता हूँ बना रहे हैं वो, उनका कीमत जो है मार्केट में लगभग 1.5 लाख रुपए है, काफी अच्छा चलता है, बेल ट्रस्टेड है, सरदार जी है, सरदार की इंजीनियरिंग के नाम से बनाते हैं। दूसरा एक यहाँ पे बलवान इंजीनियरिंग करके मलकापुर में है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग करके है, बलवान मॉडल से बनाते हैं, उनका भी काफी अच्छा चलता है, उनके पास 2-3 मॉडल हैवी है उनका, वो भी खरीदा जा सकता है। तो इसमें आपको एक चीपर लगता है और 11 टोटल आदमी लगते हैं जो फीडिंग वगैरह के लिए लगेंगे। और फिर आपको दो इसमें जो है मिनी ट्रक या ट्रैक्टर लगेंगे, जैसे एक इसमें दिख रहे होंगे पिक्चर में, एक में भरा हुआ है एक स्टार्ट है, और फिर अनलोडिंग करते इसके लिए भी आपके पास 2 आदमी होना चाहिए। इन सब को मिला करके अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में आपको 6 से 8 टन कलेक्शन किया जा सकता है, और आप लगभग जो है इससे 3 महीने कलेक्शन कर सकते हैं, और हर स्टेक होल्डर को फायदा होगा, जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहेंगे कैसे होता है। तो मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ कैसे चलता है तो ज्यादा क्लियर होगा, इस तरीके का वीडियो देखिए। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चला रहा हूँ,
ये जैसे मैंने वीडियो दिखाया, इसमें एक्चुअल एक काटोल में एक जगह पे चिपिंग हो रही थी, उसकी जगह पे किया था। हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो हमारा मॉडल है, कलेक्ट करने का तरीका है, ये तरीके से हम लोगों ने 5 गाँव को सिलेक्ट किया था। जैसे जहाँ पे 1000 एकड़ एरिया थी, उसमें 5 गाँव में हमने 3 महीने कलेक्शन कराया था और 5000 टन मटेरियल का कलेक्शन किया था। इसमें एक किसान को पर किसान को 5000 रुपये इसमें इनकम हुआ और एक गांव को 10 लाख रुपए, टोटल 5 गांवों को 50 लाख रुपए का इनकम हुआ। इससे क्या हुआ कि जो है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ से मटेरियल खरीदे थे, वो मनीष खड़ू करके एक एंटरप्रेन्योर हैं जो सावनेर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका भक्ति बायोकोल एनर्जी काटोल में प्लांट है, उस प्लांट में उन्होंने कलेक्शन करके 6000 टन ब्रिकेट का उत्पादन किया था। उसमें 5000 टन कपास लिया था और 1000 टन और मटेरियल मिक्स किया, जैसे मूंगफली के छिलके वगैरह मिक्स किया था। उनको इस तरह कलेक्शन से लगभग 36 लाख रुपए के एक साल में प्रॉफिट हुआ। ये जो है हमारा जहाँ पे कलेक्शन चल रहा था, वहां पे 2 फॉरेन की टीम गई थी। एक इजिप्ट से लगभग 15 लोग आए हुए थे 2018 में, और 2019 में ये अंगटेट की टीम आई हुई थी, और 2020-21 में तो कोरोना के कारण हम लोग इस तरह से ज्यादा कलेक्शन के पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। और ये टोटल मैंने आपको बताया इस तरीके से गांव में पेलेट का उत्पादन और ब्रिकेट का उत्पादन प्लस कलेक्शन किया जा सकता है। इनको हम लोगों ने, हमारे जो मंत्री महोदय है माननीय गडकरी साहब, उनसे किसान को और एंटरप्रेन्योर को दोनों को सत्कार कराया हुआ था। बस यहाँ पे मैं अपना समराइज करूंगा, जितना मैं बताना चाहता था पूरा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, काफी 90% कवर हो गया है। अभी इस पर किसी को प्रश्न हो तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। मुझे लगता है मैं अपना शेयरिंग खत्म करता हूँ।